तो मेरा नाम है अरमान खान और आप देख रहे हैं एक ही ट्राइंगल इंटरटेनमेंट चैनल। दोस्तों, ग्रीन विले स्टूडियोज़, इस स्टूडियोज़ में बहुत सारे स्टूडियोज़ हैं, अलग अलग केबिन्स बने हुए हैं। जैसे कि सामने कांटे लाल का है जहाँ पर गाड़ी खड़ी है, वो नंबर 3। इस में जो वरुण धवन और कीर्ति सेनन की शूटिंग चली थी भेड़िया मूवी की, ये जो केबिन नंबर 2 है। और ये सामने वाला कौन सा है, दिल उत्थे क्यों छोड़ा है, क्यों दिल उत्थे छोड़ा है, ये वो वाला सेट है। और सामने है इंडिया का बेस्ट मराठी शो, इससे आगे भी 2 स्टूडियो हैं। तो इस ग्रीन विले में लगभग नहीं तो 6 से 7 स्टूडियोज़ हैं, और ये बहुत बड़े बड़े स्टूडियोज़ होते हैं। दोस्तों, इसके अंदर जाएंगे तो पूरे का पूरा आपको घर, दुकान, मार्केट सब कुछ मिलेगा दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको कांटेलाल में दिखाया। कुछ दिन पहले यहाँ पर भेड़िया मूवी की शूटिंग चली है, इसके अंदर ये जो छोटा सा गेट है ना, अगर आपने इसको क्रॉस कर लिया तो समझ लो कि आप बहुत बड़ी जगह आ गई, बहुत बड़ा हॉल है ये। उसके अंदर सब कुछ सेटिंग के द्वारा बढ़िया चीज़ें बना दी जाती है। यहाँ पर जो कीर्ति सेनन जी की जो वैनिटी वैन थी यहाँ खड़ी थी, और यहाँ पर जो खड़ी थी वो वरुण धवन जी की खड़ी थी। तो यहाँ पर लगभग 7 दिन तक शूटिंग करी है वरुण धवन जी ने। इसमें मैंने देखा है, हम लोग वहाँ पर हैं और रहते हैं सामने, मैं देखा हूँ, मिला भी हूँ वरुण धवन से, कीर्ति सेनन से भी यहाँ पर। और यहाँ पर आए थे डी यानी धर्मेश जी, यहाँ पर जो इंडिया का बेस्ट मराठी डांस शो चल रहा है उसके जज की भूमिका अदा कर रहे थे धर्मेश जी। आइए मैं आगे को आपको कुछ और दिखाता हूँ जिसके बारे में मैं बता रहा था। ये है वो सेट है, क्यों उत्थे दिल छोड़ा है, ये देखिएगा, ये वो है। तो देखिए, ये है पार्किंग यहाँ की। सामने वाला जो सेट बन रहा है वो बन रहा है क्यों उत्थे दिल छोड़ा है का। और उससे आगे वाला जहाँ पर वो फूल है, वहाँ पर भेड़िया मूवी की शूटिंग चली है 7 दिन तक, जिसमें कीर्ति सेनन और वरुण धवन जी थे। सामने जो शो चल रहा है वो चल रहा है इंडिया का बेस्ट डांसर, मराठी शो है ये, जिसमें डी धर्मेश जी आए थे। ठीक है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, एक बैनर ये रखा हुआ है इसका, ये वाला। तो 1, 2, 3, 4 और सामने वाले जो देख रहे हैं ना आप, इस स्टूडियो में विद्युत जामवाल आए थे, विद्युत जामवाल। और इस स्टूडियो के बारे में मेरे को ज़्यादा जानकारी नहीं है क्योंकि अभी इसमें कोई शूटिंग नहीं हुई है। तो ये बहुत सारी स्टूडियोज़ और कुछ स्टूडियोज़ आगे की तरफ बन रहे हैं, और इधर से जब हम आएंगे काशीमीरा। दोस्तों, अगर आप आना चाहते हैं तो बहुत ईजीली है, आप अंधेरी उतरना, अंधेरी से बस पकड़ना काशीमीरा की, काशीमीरा उतर जाएंगे तो समझ लीजिएगा यहाँ आ गए। मैं आपकी हेल्प कर दूंगा दोस्तों, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना या मैसेज कर देना मेरी मेल आईडी पर, मैं आपको पूरा इंस्ट्रक्शन देता रहूँगा। तो ये है ग्रीन विलेज स्टूडियोज़, इसका नाम है। और 1, 2, 3, 4, 5, 6 से 7 स्टूडियोज़ इसके अंदर हैं अलग अलग। तो दोस्तों, कास्टिंग डायरेक्टर के द्वारा जो चुने जाते हैं कलाकार, उसके बाद यहाँ पर एक्टिंग करने के लिए आते हैं, तो इन्हीं स्टूडियो में आते हैं वो लोग ऑटो पकड़ के, अपनी कार से, जैसे भी आप सुविधाजनक आ सकते हैं यहाँ पर शूटिंग करने के लिए आते हैं। देखने में ऐसा लगता है जैसे एक कंपनी की तरह, एक फैक्ट्री की तरह है, लेकिन हम जब हम अंदर जाएंगे ना तो ये बहुत बड़ा एसी लगी भी होती है सबके अंदर। देखिएगा कितनी सारी एसी होती हैं। इसी तरह से इससे लगभग नहीं तो 2-3 गुना हमारा स्टूडियो यानी कांटेलाल एंड सन्स का स्टूडियो है, जिसके अंदर पूरी मार्केट, गरिमा सुशीला का घर, केबिन्स, जगत जी का ऑफिस और डॉक्टर प्रमोद जी का घर, सब कुछ है दोस्तों उसके अंदर। आपको मैं ऑलरेडी दिखाई चुका हूँ। तो ये है ग्रीन विलेज स्टूडियोज़, जहाँ पर अलग अलग तरह की शूटिंग चल रही है, मूवीज, सीरियल्स, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, ये है सामने कांटेलाल एंड सन्स का पूरा सेट, और ये आप जो देख रहे हैं ना, ये बहुत बड़ी विशाल फ्लेक्सी है दोस्तों मार्केट की। ये पीछे का भाग है कांटेलाल एंड सन्स का, ये देखिएगा सामने गार्ड खड़े हैं, ये देखिएगा सामने वाले भी स्टूडियोज़ हैं, और यहाँ भी अभी यहाँ पर ये वाली शूटिंग चल रही है, ये दूसरा प्रोडक्शन हाउस है, ये वाला अपना है कांटेलाल एंड सन्स का। अरे, अंदर से बहुत सुंदर होता है, बहुत शानदार होता है दोस्तों ये ऊपरी, क्योंकि सेट बनाना होता है 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए तोड़ना होता है, फिर दूसरा सेट बनाना होता है।
तो पक्का तो बना ही नहीं सकते ना। तो काटेला ने संस का सेट है दोस्तों, ये आज तारीख है 13 तारीख है आज। ये देखिएगा लकड़ी का बना होता है पूरा, और अंदर से देखोगे ना तो बहुत शानदार। आप जो सीरियल देखते हो ना ये अंदर के ही होता है, कहीं बाहर नहीं जाते हैं सेट। पर हर सेट ऐसे ही होता है, चाहे वो बिग बॉस का हो या 10 कदम का, ये कोई सा भी हो, बम्बू का बना होता है ये। बहुत बड़ा सेट है ये। आइए मैं थोड़ा सा आपको आगे की तरफ दिखाता हूँ। इस सेट पे एम्बुलेंस खड़ी है, अगर कोई केस निकलता है या किसी को कोई नुकसान पहुंचता है तो झट से हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाएगा। ये देखिएगा सामने जो देख रहे हैं ना लास्ट रेड कार, उससे भी आगे ये कांटेला ने संस का प्रोडक्शन हाउस है, पूरे का पूरा बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस है दोस्तों ये। ये देखिएगा आसपास के सबसे बड़ा सेट कांटेला ने संस का ही है। ये देखिएगा बहुत बड़ा सेट है दोस्तों, काटेलाल एंड संस का पूरा सेट। तो देखिए काटेलाल एंड संस के सेट्स के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, राइट हैंड में है ठीक है ना। सामने है ये देखिएगा सामने जो काटेलाल एंड संस का पूरी वीडियो दिखा चुका हूँ आपको, अंदर की बाहर की दाएं बाएं सब कुछ दिखा चुका हूँ एवरीथिंग। तो दोस्तों अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसे नहीं कि ये फुल स्टॉप है यहाँ पर कि मैं अब आपको काटेला एंड संस से संबंधित चीज़ें नहीं दिखाऊंगा, दिखाऊंगा ज़रूर दिखाऊंगा। जिस दिन मैं यहाँ आऊँगा उस दिन ज़रूर दिखाऊंगा, सबसे मिलूँगा दोबारा भी। लेकिन आप भी थोड़ा सपोर्ट करें, मुझे हर चीज़ में सपोर्ट करें ठीक है, शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, आगे भेजिएगा। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।